औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में इस सीरीज़ के 3 लेक्चर आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, यकीनन आपने इसमें बहुत फ़ायदा उठाया होगा। अब हम हाजिर हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। इसके अंदर हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मज़ीद समझने में आसानी हासिल होगी। और आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कोई भी टेंस हो या बेसिक स्ट्रक्चर को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले लोग ये बात ध्यान में रखें कि इंग्लिश का जो सबसे बुनियादी फार्मूला है वो ये है, यानी वर्ब के अंदर चेंज आएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं आती। जैसे कि आपको नाउन और प्रोनाउन के लेक्चर में ये बताया गया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे 4 चीज़ें आप अगर समझ लें कि नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज, ये 4 चीज़ें ही सब्जेक्ट पे आएंगी और 4 चीज़ें ही ऑब्जेक्ट पे आएंगी। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर कहीं फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ वर्ब पे फ़र्क पड़ेगा, चाहे आप कोई भी टेंस कर रहे हो, अगर वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई तो ज़माना बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप देखिए प्रेजेंट डेफिनेट का भी अगर फार्मूला लिखें तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन वर्ब फ्रेज तक फ़र्क पड़ सकता है और पड़ता है। तो इसलिए आप गौर किया करें कि जब आप एक टेंसेस से दूसरे टेंसेस की कन्वर्शन पे जाएं तो सिर्फ वर्ब की हैसियत को चेंज कर दें तो आप टेंसेस को सीखने में कामयाब हो जाएंगे। तो उसकी पहली एग्जांपल ये है, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, ये व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप क्या कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि डबल इंटरोगेटिव के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर हम पैसिव करें तो हम यूँ कह सकते हैं व्हाट इज बीइंग सेड, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्ट एज रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, नहीं कर रहा है, मेकिंग प्रोग्रेस By leaps and bounds, तो आपने देखा कि ये नेगेटिव है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों तरक्की कर रहा है, Why is Pakistan not making, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, Why is Pakistan not progressing। प्रोग्रेस को नाउन को आप बतौर वर्ब में भी यूज कर सकते हो, बाई लीव्स एंड बाउंस, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। अब एक बात यह ख्याल रखें कि ये जो इस आया हुआ है यहाँ पर, यहाँ एक्चुअली आर आना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान मैच जीतता है या कोई भी मुल्क, वहां तक पाक विन द मैच, विंस नहीं आता, तो उसकी वजह यह है कि इस पाकिस्तान को हम के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे, तो ये एक अलग से बात है। पाकिस्तान इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसी तरह आप देखें, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब ये बोलने में आता है, एक्चुअली ये लिखा जाएगा हाउ डू यू फील नाउ, क्योंकि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। मैं ड्रामा देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग अ ड्रामा। अब यहां सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि कोई शख्स आपके सामने बैठा ड्रामा देखने का मन कर रहा हो सकता है और आप वहां पर वॉच की बजाय वॉचिंग लगा सकते हो। शी इज प्लेइंग द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर चला रही है। It is snowing these days. इन दिनों में बर्फबारी हो रही है। I am feeling warm. मुझे गर्मी लग रही है। The children are not playing cricket here. बच्चे यहां क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं।
इन एग्जांपल में आपने देखा कि हमने नेगेटिव पॉजिटिव अफर्मेटिव और डबल इंटरोगेटिव बनाए, इसके एक दो एग्जांपल्स आप मजीद देखें। व्हाई आर यू टीजिंग हर, आप उसको तंग क्यों कर रहे हो, आप उसको तंग क्यों कर रहे हो, इस पे कमांड हासिल करना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फर्क है, बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी डिफरेंस आपको बताया जाएगा इन कमिंग वीडियोस। हाउ आर यू डीलिंग इन शुगर, हाउ आर यू डीलिंग इन शुगर, आप चीनी का कारोबार कैसे कर रहे हो, डीलिंग इन कारोबार करना, हाउ आर यू डीलिंग इन शुगर। तो इन एग्जाम्पल से उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर और चीज़ें आपके सामने मजीद क्लियर होकर आई होंगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम आपको टेंसेस के साथ नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।